ये रहा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, वाघा बॉर्डर। ये चेक करें, हमने कैप ले ली है, अब थोड़े से लग रहा है पाकिस्तानी। ये बाजू के लिए पानी मुंह पे। जी सर। बाबे आजादी। We are back with another vlog. आज जो है हम लोग जा रहे हैं वाघा बॉर्डर लाहौर, हम मतलब आप और मैं। हम तो कल जो है मैं गया था वाघा बॉर्डर, लेकिन जो है ना वहाँ पर मुझे 14 मिनट जो है ना लेट हो गई थी, इस वजह से परेड नहीं देख सका मैं। उधर जो है 4:30 से 5 बजे तक परेड होती है, मैं 5:14 पर पहुंचा था। तो अभी जो है मैंने लगा ली है लोकेशन, इधर से है तकरीबन 30 किलोमीटर और अभी 1 घंटा पड़ा हुआ है, हमें जल्दी जल्दी पहुँचना होगा, तो चलते हैं। दो से दस का कर दो। थैंक यू। मैंने 150 रुपया ले किया मेरे को। आप देख सकते हैं ये है दरियाए रावी, ये जो है ना ज़हीफ हो गया बेचारा, इसको आप रावी ज़हीफ कहते हैं। हम वाघा बॉर्डर के अंदर इंटर हो चुके हैं और जाना सिक्योरिटी इनकी काफ़ी जाना हैवी है। दो बार मेरा बैग चेक हुआ, फिर मैं मशीन के अंदर से गुजरा हूँ, आगे आके इन्होंने आईडी कार्ड मेरे से लिया और अब आकर जो है ना अंदर आने दिया। अभी आप वो चेक कर सकते हैं, परेड स्टार्ट होने वाली है। आपके भाई ने कार्ड कैम कर दिया है, 37 मिनट में 30 किलोमीटर सफर किया, वो भी इतने रश के अंदर, इसी वजह से कल भी 60 किलोमीटर वेस्ट हो गया था मेरा। आज इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे टाइम पर। ये रही जी पार्किंग, आई हो गई इधर। मोबाइल देखो हमारा उल्टा हो गया सीधे की बजाय, जाम भी इतने लगे इसे। ये है मेन गेट, यार ना जगह जगह पे मशीनें लगी हुई हैं, उसके अंदर से गुजर के आना पड़ रहा है। ये रहा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, वाघा बॉर्डर, बाबे आज़ादी। और वो भी रहा बाबे आज़ादी, यहाँ पर स्टिकर वगैरह पड़े हुए हैं। इधर से कैप्स हैं, कैप कितने की दे रहे हैं? 400 की। एक कैप दे दें यार, हमें ये दे दें ये कैप, ठीक है। ये चेक करें, हमने कैप ले ली है, अब थोड़े से लग रहे हैं पाकिस्तानी। ओ तेरी खैर, इस झंडे का डंडा भी काफ़ी लंबा है और झंडा भी काफ़ी लंबा है। और ये भी आपका है, बाजू में लगाओ। बांध दे जी, ये भी बांध दो, ये बाजू के लिए। और ये पानी है, मिट जाता है पानी मुंह पे। जी सर।
यहाँ देखो जी, थैंक यू वेरी मच। आया देखें, मुंह पे भी लग गया सारा और बाजू पे भी कैप वगैरह भी ले लिया। सिक्योरिटी चेक अप रेंजर्स, बाबे आजादी, दिस इज द बॉर्डर। यहाँ पे जाना रमजान चल रहा है, इस वजह से जाना रश नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान की आबादी भी कम है इंडिया की नस्बत, इस वजह से इंडिया की साइड पे जाना ज्यादा रश है। उधर रमजान नहीं है ना, लोगों ने रोजे वगैरह तो रखे नहीं हुए। इधर हमारे लोगों ने रोजे रखे हुए हैं, इस वजह से बहुत कम रश है इधर। ये इधर क्या सीट्स लगी हुई हैं, इसके अलावा ऊपर सीमेंट की सीट लगी हुई हैं, ये स्पीकर वगैरह पड़े हैं, ये झंडा है और बाबे आजादी लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान का बड़ा झंडा है और ये इंडिया का बड़ा झंडा है इस साइड पे।
बंदे मोहतरम कह रहे हैं इधर पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर कह रहे हैं अल्लाह। झंडे उतार लिया, दोबारा लगाए नहीं। आपसे गुजारिश है,
यार इन्होंने झंडा उतार दिया लेकिन दोबारा वापस नहीं लगाया, पता नहीं क्या मसला हुआ, शायद होता ही इस तरह। स्टेडियम जो है खाली हो चुका है, परेड वगैरह खत्म हो गया। अब हम जा रहे हैं इधर से वापस। आपका किधर है? चलो चले जी, बाय 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 वाघा बॉर्डर। यह झंडा चेक करें कितना लंबा है, और झंडे के अंदर डंडा कितना लंबा है। यार मजा आ गया कसम से, आज बड़ा इंजॉय किया। बस जो है जो कमी महसूस हुई है वो लोगों की हुई है, लोगों ने जो है ना रोजे वगैरह रखे हुए थे, इस वजह से जो है ना बहुत कम लोग आए हैं इधर। जिनके जो है ना मतलब करीब करीब है ना बिल्कुल वो आ गए थे, क्योंकि रोजे के अंदर जाना वो इधर अच्छी खासी जो है ना वो शोर भी करना पड़ता है, और वैसे भी जो है ना फिर जब बंदा वो सामने दूसरे इंडिया वाले इधर पाकिस्तान वाले उधर फिर जोश आ जाता है, ऐवी जोश आ जाता है। बट जो भी था लेकिन एक्सपीरियंस हमारा जो है ना बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। करीब से देखा बॉर्डर, मतलब एक साइड पे इंडिया दूसरी साइड पे पाकिस्तान, बड़ा लेवल का सीन था। अभी जो है सब लोग निकल रहे हैं, हमने जो है ना गुड बाय कर दी है बॉर्डर को, अभी हम चलते हैं वापस घर। ये रेडियो पाकिस्तान है, आपको पाकिस्तान मुबारक हो। ये जो है ना साइडों पे ये पोस्टर लगे हुए हैं सारे इस तरह से। ये जो है 18th विंग है, पता नहीं 14 अगस्त की ये पिक्चर होगी। नहीं ये रही हमारी गाड़ी बाइक। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, और अभी जो है मैं व्लॉग को एंड करने जा रहा हूं। आई होप कि आपने जो है ना एंजॉय किया होगा, अगर आपको मजा आया हो वीडियो देखकर तो जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आप लोगों से बहुत जल्द मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।